दोस्तों हमारी बॉडी में 60% से ज्यादा पानी होता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए पानी बेहद जरूरी है। लेकिन वही पानी यदि गलत समय और गलत तरीके से पिया जाए तो वो बहुत सी बीमारियों का कारण भी बन जाता है, जैसे कि डाइजेशन का कमजोर होना, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ना, थकावट, किडनी और हार्ट प्रॉब्लम्स। दुख की बात तो यह है कि आजकल के समय में ज्यादातर लोग पानी गलत ढंग से ही पीते हैं और जिसकी वजह से वो पानी के फायदे लेने की बजाय जाने अनजाने में अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए, तो देखते रहिए इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल प्रवीण जैन कोचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वीडियोस हमेशा टाइम पे मिलते रहे। दोस्तों पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बिना पानी हम खाने से न्यूट्रिएंट्स तक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मगर पानी इतना जरूरी और फायदेमंद है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इसको जब चाहें जैसे चाहें पी लें। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसे कुछ कारण कि आप पानी को गलत ढंग से पी रहे हैं और साथ में उसको कैसे ठीक किया जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि पानी को कब, कितना और कैसे पीना चाहिए ताकि वो आपको फायदा पहुंचाए ना कि नुकसान। पहला, पानी को कब पीना चाहिए। मैंने देखा कि खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीना बहुत से लोगों की आदत होती है, मगर शायद उन्हें यह नहीं पता होता कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी फायदे की जगह कितना नुकसान करता है। आयुर्वेद में उसे जहर के बराबर कहा गया है। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। लेकिन वही जब हम खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट के रस पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। और जब खाना पचता नहीं है तो वो सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना तो दूर, बल्कि गैस, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो काम करने में मन कहां से लगेगा, और जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर असफलता ही तो हाथ लगेगी। फिर अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि पानी कब पिए। दोस्तों सुबह उठते ही पानी जरूर पीना चाहिए। दोस्तों हमने पहले भी बात की थी कि कैसे सलाइवा पानी में मिक्स होकर पेट में जाता है तो डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह मुंह में पहली लार सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए रोज सुबह उठकर ब्रश करने से पहले पानी पीजिए। अब जितना हो सके खाने के बाद पानी ना पिए। एक बड़ा आसान सा तरीका है जो मैं ज्यादातर करता हूँ, और ये तरीका मैंने अपने घर के बुजुर्गों से सीखा है। मैं खाना खाने के बाद थोड़ा कुरला कर लेता हूँ, इससे बड़ी हेल्प मिलती है। पानी को 2 मील्स के बीच में पिए, ना कि खाने के साथ, और एटलीस्ट खाने के आधा घंटे बाद या आधा घंटे पहले पानी को पीजिए। ध्यान रखिए, मूत्र त्याग और मल त्याग करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मूत्र थैली के खाली होने के बाद कुछ अवयव उसमें अंदर ही अंदर निकलते हैं जो तुरंत पानी पीने के बाद थैली में पानी के साथ नहीं घुल पाते, और कालांतर में वो ही अवयव मूत्रदानी की पथरी का कारण बनते हैं। जी हाँ, स्टोन्स का कारण बनते हैं। इसलिए मूत्र त्याग और मल त्याग करने से कम 15 मिनट के बाद ही जरूरी हो तो पानी पीजिए। तो दोस्तों यह थी वो गलतियां जो हम जाने अनजाने में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और उनको भी पानी के लाभ के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।